नागदा नगर पालिका परिषद द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत बीती शाम 4 बजे आनंद घर डे केयर श्रीराम कॉलोनी में तिरुपति बालाजी तीर्थ दर्शन यात्रियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नपा अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने अध्यक्षता की और मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, भाजपा कार्य समिति सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि और मंडल महामंत्री ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव और मंचासीन अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। नपाध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका में तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए कुल 666 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 72 तीर्थ दर्शन यात्रियों को उज्जैन कलेक्टर समिति द्वारा लॉटरी से चयनित किया गया। नागदा के लिए गर्व की बात है कि सबसे ज्यादा तीर्थ दर्शनार्थियों का चयन इस दौरान हुआ है। ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महती योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसके अंतर्गत हम हर धर्म जाति संप्रदाय के विशेष व्यक्तियों को जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर हैं, वो 65 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र के साथ एक सहायक को भेजते हम भारत के विभिन्न प्रदेशों में जहाँ जहाँ हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल है वहाँ उन्हें भेजते। उसी कड़ी में आज हमने 6 तारीख को हमारे यहाँ से तिरुपति बालाजी दर्शन यात्रा जारी है। उसके तहत हमने 666 आवेदन हमारे पास आए थे, उसमें लक्की ड्रा द्वारा 72 यात्रियों का चयन किया गया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हमारे इस नागदा नगर पालिका परिषद से यात्री चयनित हुए हैं। मुझे पता लगा कि खास रूप से अभी शायद 12 व्यक्तियों का मुझे ऐसा जानकारी लगी है, लेकिन हम बड़े खुशनसीब है तिरुपति बालाजी के हम पर कृपा है कि हम जब भी यहाँ से आवेदन भेजते हैं, सबसे ज़्यादा आवेदन हमारे नागदा नगर पालिका परिषद नागदा के स्वीकृत होते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं लगभग बहुत बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री दर्शन योजना में हर बार यात्रा करते हैं। उसी कड़ी में आज हमने उन सब यात्रियों को बुलाया था। आज उनका हमने नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से हमारे अतिथियों के द्वारा डे केयर सेंटर में स्वागत किया है और स्वागत करने के साथ उनसे विनती निवेदन की है कि वो तिरुपति बालाजी दर्शन करने जब आए तो वो पूरे प्रदेश में पूरे देश में सुख शांति की कामना करें। साथ ही हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की उत्तम दीर्घायु जीवन कामना करें, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक श्रवण बेटे की तरह इन बुजुर्ग माता पिताओं को बहुत ही अच्छी सर्व सुविधायुक्त यात्रा करवा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी